पेड़ लग रहा है मुझे, और वहाँ पे बनी है मेन बिल्डिंग, और वहाँ पे स्टैचू है नरपत सिंह जी का, और वो अभी खड़े हैं ऑलमोस्ट तालाब के अंदर। और Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose light till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember. What is up, my lovely family? Welcome back. So, आज का कुछ पीरियोग्राम इस टाइप से सेट है। वॉइस यहाँ पे काफ़ी ग्लिच हो रही, चलते हैं बात करते हैं। तो अभी फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ का एरिया जो कि बहुत ही साफ़ और नीट एंड क्लीन है, और बैकग्राउंड में जो बना हुआ है नरपत सिंह एक मीटिंग हॉल बना हुआ है, और इधर यहाँ पे एक वॉक लेने के लिए यहाँ पे नॉर्मली एक इंटरलॉकिंग की पूरी राउंड एक सर्किल बना हुआ, और जो ये बना हुआ है ये पूरा राउंड में बना हुआ है। और सो अंदर चलते हैं, देखते हैं। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दौरान 15 अप्रैल 1858 को शौर्य और क्रम के प्रतीक राजा नरपत सिंह ने अपने इस किले में अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में उन्होंने ब्रिगेडियर होप, उनके 5 लेफ्टिनेंट डगलस, जिनिंग्स ब्रेमले, विलोबाई एवं हैरिंगस्टन तथा 55 सैनिकों को मार गिराया था। इसमें अंग्रेजी सेना के 2 अधिकारी और 55 सैनिक घायल हुए थे। इनमें से कुछ अंग्रेज अधिकारियों एवं सैनिकों की कब्रें माधवगंज चौराहे के समीप अब भी विद्यमान हैं। इसके पश्चात अंग्रेजी सेना द्वारा किले को ध्वस्त कर दिया गया था। अमर सेनानी नरपत सिंह ने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध लड़ाइयां जारी रखी तथा उनके सभी संधि प्रस्तावों को ठुकराकर अवध के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सिरमौर बने रहे। अंग्रेजों की सेना के मुकाबले में अपनी छोटी किंतु राष्ट्रभक्त बहादुरी सेना के साथ राजा नरपत सिंह ने 5 युद्ध लड़े और अभिजीत रहे। वर्ष 2001 में राजा नरपत सिंह के पराक्रम एवं योगदान को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना कर स्मारक का निर्माण कराया गया। वर्ष 2011 में जिला अधिकारी श्री अवधेश कुमार सिंह जी राठौर की प्रेरणा से श्री जयप्रकाश माननीय सांसद, राज्यसभा, अन्य जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों तथा अपार जन सहयोग से उनकी प्रतिमा पर भव्य छतरी एवं किले के प्रवेश स्थल पर अमर सेनानी राजा नरपत सिंह द्वार का निर्माण कराते हुए पूरे परिसर का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया गया। सो अभी बनाने वाले जो शिलान्यास यहाँ का बिल्डिंग का किया गया वो डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह और माननीय नरेश अग्रवाल जो कि ऊर्जा मंत्री उस टाइम पे थे। सो यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, और ये तो आई थिंक कोई बाहर का पेड़ लग रहा है मुझे, और वहाँ पे बनी है मेन बिल्डिंग, और वहाँ पे स्टैचू है नरपत सिंह जी का, और यहाँ पे एक वॉक लेने के लिए नॉर्मली सा इंटरलॉकिंग वगैरह बनी है। सो यहाँ पे एक स्टैचू टाइप में है कुछ, आई डोंट नो, बस थोड़ा सा हाइट पे है, और उसका थीम कुछ ऐसा है जैसे आग निकलती है लाइक, और ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, और बिल्कुल राउंड शेप में बना है पूरा चारों तरफ एकदम गोल, और मेन बिल्डिंग है वहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाइक दिल बना है एंड कुछ लिखा हुआ है समथिंग, और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट नंबर किसी का, अगर आपसे आपको किसी से बात करनी है तो ऑलरेडी यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर मुझे कॉल करें, आई लव यू। एंड ये नंबर किसी ने बिगाड़ दिया है, कन्हैया राठौर,
सो यहाँ बैकग्राउंड में जो है स्टैचू और यहाँ पे ऑलरेडी जो है थोड़ी सी इको आ रही है और वॉइस यहाँ पे थोड़ी सी गूंज रही है। और यहाँ पे भी मेनली जो डिटेल वगैरह वो भी लिखी हुई है यहाँ पे बैकग्राउंड में, और ऊपर उनका स्टैचू बना है वो भी तलवार वगैरह पकड़े हुए। और यहाँ पे कुछ वो इस वाली बिल्डिंग के लिए जिन ने थोड़ी सी हेल्प करी या जो भी है सो उनका यहाँ पे दिया गया है पूरा। हाँ, तो जिन भी अधिकारी और मंत्रियों ने इसमें सहयोग किया सो उनका यहाँ पे लिखा है, एंड जो यहाँ के निवासी एंड ऑल, तो किसी ने 51,000 दिया है, किसी ने 21,000, कोई 25,000, 11,000 जो भी दिया, मतलब ऑल टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फिलहाल तो यहाँ पे इतना ही कुछ है, और चलते हैं बाहर और दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर का नज़ारा। इस टाइप की कुछ सीटें यहाँ पे बनी हैं ऑलरेडी बैठने वगैरह के लिए, और बाहर है बहुत घना सा जंगल। सो अभी चलेंगे उस साइड, वहाँ पे कुछ तालाब वगैरह है और यहाँ पे एक टापू थोड़ा सा ऊंचाई में, और यहाँ पे चल रही अपनी व्यवस्था। सो वही सब चीज़ें खाने पीने की। सो अभी जब तक बन रहा है बैकग्राउंड में खाने पीने का कुछ, तो यहाँ पे लेते हैं छोटा सा एक वॉक अराउंड, और काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं कुछ तालाब टाइप का है यहाँ पे, तो उसी के अंदर, और ऑलरेडी यहाँ पे मिट्टी गीली मिलने लगी है और दब भी रही है काफ़ी हद तक। सो ये है कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का, और वहाँ पे भरा हुआ है पानी, और वहाँ पे है सारस वगैरह भी। आपको सनसेट हो रहा है ना, तो आपको इतना क्लियर वहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। ये एरिया एकदम सरफेस एकदम थोड़ा सा जो है नीचे साइड में, और ये जो एरिया उधर वाला है ये काफ़ी ऊँचा है, लाइक जैसे कोई टीला वगैरह होता है। सो अभी खड़े हैं ऑलमोस्ट तालाब के अंदर, और आई होप कि थोड़ा बहुत आ रहा हो काफ़ी अच्छा कैप्चर करने का, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वो काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, और उधर साइड में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भैंस और गाय वगैरह चला रहे हैं, और कुछ वहाँ पे भेड़ भी हैं। तो इधर है पानी और सारस जो होते हैं वो लाइक बर्ड्स वो सब चीज़ें हैं, और इधर भी काफ़ी दूर तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सब पूरा का पूरा ऑलमोस्ट तालाब टाइप में ही। और जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये भी एक ऑलरेडी एक तालाब टाइप में ही है, और ये आई थिंक पानी भरा रहता होगा या कुछ भी है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये साफ़ है और जो भी है सो यहीं है। सो अभी पीछे साइड में ऑलरेडी पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से ड्रोन उड़ा के कुछ यहाँ का सीन निकाल लिया जाए थोड़ा बहुत, और देखते हैं। और इस साइड कुछ ऊंचा सा काफ़ी टीला है, सो पहले वहाँ पे भी चलते हैं, देन यहाँ का देखते हैं, और फिर अपना चिड़िया उड़ाएंगे यहाँ से। भैंसी चराए रहे तो कहो कहाँ भैंसी कहाँ है नीचे, बड़ा खुश हो का बात है बता नहीं रहे हो, माल कटियो सही बताओ। तो यहाँ पे है कुछ ऊंची नीची जगह, और यहाँ पे मैं आया था ऑलमोस्ट हो गया हुआ 3 या 4 साल पहले, एक ही बार आया हूँ मैं, और दोबारा आज ऐसा ही प्लान बन गया टैंडम की कुछ वहाँ पे छोटा मोटा अरेंज कर लेते हैं, एंड कुछ खाने के लिए वहाँ पे बना लिया जाएगा और यहाँ पे घूम लिया जाएगा। सो अभी आ गए यहाँ पे ऊपर पे, और यहाँ पे कुछ लाइक बना है सुरंग उरंग टाइप वाला, तो यहाँ से कुछ अंग्रेज़ वगैरह का कुछ कांटेक्ट था निकलने का, सो ऐसा ही कुछ है। बाकी यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, और इसी में से जब यहाँ अंग्रेज़ों पे जब इन्होंने अटैक किया होगा तो यहाँ से भाग गए होंगे या जो भी हुआ होगा, मुझे यहाँ के बारे में कुछ प्रॉपर जानकारी नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो भी बता रहा हूँ वही बता सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ एक खंडहर टाइप का है बैकग्राउंड में, सो
सो लगता तो काफ़ी पुराना तो नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से इसकी मरम्मत हुई है। और इधर बहुत ही घना जंगल है। सो यहाँ पे भी एक बोर्ड है ऊपर टीले पे और काफ़ी तगड़ा जंगल है, बहुत ही ख़तरनाक टाइप का। और ये वाले जो पेड़ हैं इनको होली में अपने यहाँ यूज़ किया जाता है पूजा में, तो अभी इनका सीज़न है तो काफ़ी सारे खिले हैं और नए नए यहाँ पे हैं भी। और देख ये किला काफ़ी ऊपर नीचे टाइप के हैं, अब लाइक ये नीचे जा रहा है धीरे धीरे। तो आई डोंट नो ये कहाँ पे रास्ता निकलती है, काफ़ी घना है। तो शुभम भैया गाइड करने वाले हैं अब, और काफ़ी तगड़ा और काफ़ी ख़तरनाक लेवल का यहाँ पर जंगल है। सो भी ये वाला किला यहाँ पे कवर कर लिया, अंदर वाली बिल्डिंग कर ली, और जो इधर बैकग्राउंड में नीचे तालाब वगैरह जो पड़ता है उसको भी कवर कर लिया गया। और अभी आग वगैरह लग गई और चोखा भाटी बनने का प्लान चल रहा है, सो वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा बहुत और भी कवर करेंगे वो, देन ड्रोन टाइम। आग यहाँ पर जो है ऑलरेडी लग चुकी है और आटा यहाँ पर मड़ रहा है, और ये रही सामान, और यहाँ पर खड़ी है कार। शॉट कॉफ़ी जो है इंजॉय कर ही लिए होंगे यहाँ के और उस साइड फॉरेस्ट जंगल साइड के। और अभी अपनी प्रक्रिया जो है पूरी प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ गई है, सो सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। सो खाते हैं देन निकलते हैं यहाँ से। तो अभी बाटी चोखा का प्रोसेस पूरी तरीके से चल रहा है, तो अपनी जो है बाटी वहाँ पर है और चोखा का इंतज़ाम हो रहा है। तो इसमें कुछ हैं बैंगन और बॉयल्ड किए हुए टमाटर, और बॉयल्ड क्या आप इसको मेनली बोल सकते हैं, ग्रिल करा हुआ, और आलू है और बैंगन टमाटर, और इसमें पड़ेगा कुछ थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और फिर इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये रेडी हो जाएगा। सो उसका प्रोसेस पूरा देखिए यार आप, हम आपको प्रो टेक्निक बताएंगे कि आप कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया चोखा बाटी बना सकते हैं, और वो भी फुल देसी तरीके से। अब सारी की सारी इसके बैंगन के ऊपर के स्टेप वगैरह हटा लिए गए, और आलू को मिक्स करना प्रॉपर तरीके से ये काम केवल हाथ ही कर सकता है। तो आप देसी चीज़ खा रहे हैं तो आप देसी तरीके से इसको करिए, तो थोड़ा सा आनंद आएगा आपको इस चीज़ को करने में। सो ये प्रॉपर तरीके से जो है मिल चुका है, और इसमें अब कुछ मिर्चें ऐड करते हैं और कुछ प्याज हरा मतलब नॉर्मल सा। तो ये है प्याज, इसको करते हैं इसमें मिक्स। तो ये मिलने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे, जो कि नॉन बॉयल मतलब उबला हुआ नहीं होना चाहिए वो। और इसमें थोड़ा सा जलजीरा डालेंगे टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसाला। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं इसको इसमें जलजीरा। तो जलजीरा वगैरह पड़ चुका है, और यहाँ पर मीट मसाला क्योंकि अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हो आप, और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार जैसा आप खाते हैं, बस 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 बस। और इसके बाद पड़ेगा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, एंड देन इसको करेंगे मिक्स, और थोड़ी सी हरी धनिया, और बस सब कुछ रेडी है, बस 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 बस। सो एट लास्ट इसमें डालते हैं हरी धनिया और इसको करते हैं मिक्स।
चोखा जो पूरी तरीके से अपना रेडी हो चुका है और बाटी के प्रोसेस में चलना है। सो ये बाटी यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है पूरी, और वहाँ पे अपना घी जो कि गर्म हो रहा है कंडों के ऊपर, और इधर चोखा अपना रेडी है, बस प्लेटें लगाओ और खाना चालू। और ये वाली जो बाटी बनी है ये बनी है आटे से और बेसन से, और इसमें पड़े हैं कच्चे प्याज और कुछ टमाटर वगैरह। सो वही हमेशा लेट ये आदमी, ये शक्ल देखिए आप इसकी, हमेशा लेट। सो अभी काफ़ी हो गई है लेट, और आई होप कि वीडियो अच्छी आ रही हो। बिकॉज मैंने मोबाइल का अपना फ्लैश जो है यूज़ कर लिया है, और अभी चलते हैं यहाँ से एंड थोड़ी सी डिटेल यहाँ के बारे में बताते हैं, और थोड़ी रोशनी भरी हुई जगह में, और यहाँ के बारे में थोड़ी डिटेल और लोकेशन वगैरह सब कुछ दे देंगे। और नाइट हो गई है, सनसेट भी इंजॉय किया बट शूट नहीं कर पाए आज, और चलते हैं एंड सीधे मिलते हैं फ्लाइट में, फिर वहाँ पर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू।